सो गाइस हियर आर बोथ ऑफ द कार्स। अगर फ्रंट से लुक्स की बात करें तो किसी को ये वाली फॉर्च्यूनर पसंद आती है, किसी को एंडेवर। कार्स के काफी सारे बॉडी किट्स अपने पास अवेलेबल है। बॉडी किट मतलब अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर में करीब करीब 8-10 तरह के बॉडी किट्स मिल जाएंगे। मीटर कैसा दिखता है? तो मीटर दिखता है कुछ ऐसा एंड इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे टोयोटा लिखा हुआ आ रहा है। दो ऐसी कारें हैं जिनका कंपैरिजन वैसे तो काफी लोग कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार और करना बनता है अपने स्टाइल में, मतलब टर्बो स्टाइल में। तो आज कंपेयर करने वाले हैं दो कार्स। एक जो बहुत ही ज्यादा 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 बिकने वाली कार है एसयूवी सेगमेंट में, दैट इज टोयोटा फॉर्च्यूनर। और दूसरी कार जो है वो बहुत ही स्पीड में राइस कर गई इंडिया के अंदर और पूरी पूरी टक्कर दी टोयोटा फॉर्च्यूनर को, दैट इज फोर्ड एंडेवर। तो आज कंपेयर करेंगे दोनों कार्स को, बिल्कुल नेक टू नेक दोनों कार्स खड़ी हुई है मेरे पीछे, मतलब यहाँ पे तो दोनों कार्स खड़ी हैं। एंड दोनों कारों को फटाफट से पहले दिखाता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ, प्लस कुछ उसके अंदर चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस की भी बात करेंगे। सो गाइस हियर आर बोथ ऑफ द कार्स। अगर फ्रंट से लुक्स की बात करें तो किसी को ये वाली फॉर्च्यूनर पसंद आती है, किसी को एंडेवर। बट अगर लुक्स की बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे एंडेवर ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी सी और क्लासी लगती है। एंड दिस इज ऑन द अदर साइड मोर स्पोर्टी एंड थोड़ा बहुत बोल्डर लुक्स कह सकते हैं। तो अगर एंडेवर की बात करें तो एंडेवर दिखती है कुछ आगे से ऐसे, बट इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं, मतलब नीचे की पूरी स्कर्टिंग चेंज है, यहाँ पे एक ये ग्रिल चेंज है, पूरे जो हेडलैम्प्स हैं वो भी चेंज है। हेडलैम्प्स इस पर मस्टैंग स्टाइल लगे हुए हैं, फोर्ड की पूरी ग्रिल और नीचे पूरा एक बॉडी किट जिसमें DRL भी लगी हुई है, बट ये एक्सेसरीज मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे है फॉर्च्यूनर जो बिल्कुल स्टॉक है इस टाइम पे एंड कुछ ऐसी दिखती है, कुछ क्रोम वर्क हमने किया हुआ है बट इट्स अ बेसिक क्रोम वर्क। इसमें काफ़ी सारे किट्स अपने पास अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं कार्स की नेक टू नेक स्पेसिफिकेशन की। इंजन स्पेसिफिकेशन में अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर है 2755 cc एंड 174 bhp। तो पावर काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, वैसे चलाने में भी काफ़ी पैपी है। एंड वहीं पे एंडेवर की बात करें तो ये है 3198 cc 197 bhp। तो नंबर्स में डेफिनेटली एंडेवर ऊपर है, बट अगर बात करें वेट की तो यहीं पे ही फ़र्क आ जाता है कि फॉर्च्यूनर का वेट थोड़ा सा कम है, एंडेवर का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऑल एंड ऑल अगर वेट लेंथ और हाइट की भी बात करें तो हाइट में डेफिनेटली फॉर्च्यूनर थोड़ी सी ऊंची है, बट बाकी सब में एंडेवर ही ज़्यादा है। एंड अब अगर सिलेंडर की बात करें तो दिस इज़ अ 5-सिलेंडर डीजल इंजन जो फोर्ड एंडेवर में है, और वहीं पर ही फॉर्च्यूनर में 4-सिलेंडर डीजल इंजन है। प्राइस की अगर बात करें तो एंडेवर और फॉर्च्यूनर का प्राइस लगभग बराबर बराबर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब बात करते हैं सिटिंग कैपेसिटी की। सिटिंग कैपेसिटी दोनों में ही वैसे तो 7-सीटर है, बट एक्चुअल में ये कंफर्टेबली 5-सीटर ही है अगर प्रैक्टिकली बात करें। तो भाई फॉर्च्यूनर का इंटीरियर दिखता है कुछ ऐसा, सीट्स ऑल लेदर, स्टेयरिंग पे काफ़ी अच्छा लेदर लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में वुड फिनिश है, अंधेरा काफ़ी हो चुका है, यहाँ पे ऊपर भी लेदर है एंड ये प्लास्टिक है, तो काफ़ी प्रीमियम है अंदर से। यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात करें तो थोड़ा सा मैं सामान हटा देता हूँ, कुछ दिखता है ऐसा सेंटर कंसोल। तो यहाँ पे पावर मोड एंड इको मोड, दो मोड्स होते हैं इसके अंदर। देन अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस, दिस इज अ ऑटोमेटिक वर्जन। तो यहाँ पे AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम एंड मीटर कुछ दिखता है ऐसा। तो एक बार स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी ताकि आपको मीटर का रियलाइज हो जाए कि मीटर कैसा दिखता है। तो मीटर दिखता है कुछ ऐसा एंड इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे टोयोटा लिखा हुआ आ रहा है और ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर बात करें ड्राइविंग प्लेजर की तो दोनों ही कार्स का ड्राइविंग प्लेजर काफी अच्छा है। कुछ लोगों को लाइट अब ज्यादा अच्छी आ गई, कुछ लोगों को फॉर्च्यूनर ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को एंडेवर ज़्यादा पसंद है, बट अगर आपको बहुत ही एक रफ टफ
कार चलानी हो, रफ टफ मतलब कि अगर आपको चलानी हो साल की 30-40-50 हजार किलोमीटर, तो थोड़ी सी फॉर्च्यूनर बेटर साइड पे है, क्योंकि मेंटेनेंस थोड़ा सा कम होता है, प्लस इट्स इजी टू सेल ऑल्सो, रीसेल वैल्यू भी फॉर्च्यूनर की थोड़ी सी ज्यादा है। बट अब अगर अपन बात करते हैं थोड़ा सा लग्जरी की, तो लग्जरी के अंदर डेफिनेटली एंडेवर इज बेटर। सीट्स की भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी ज्यादा वाइड सीट्स है, प्लस बेज इंटीरियर है, तो गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है, गाड़ी अंदर से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली ये पियानो फिनिश, देन यहाँ पे पूरा बेज एंड ऊपर पूरा ब्लैक, ये कम्प्लीट लेदर। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर प्लास्टिक देखने को नहीं मिल रहा है, एंड इंटीरियर में सेंटर कंसोल भी इसका थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे। यहाँ पे ड्राइव टेरेंस भी है, मतलब चार तरह के ड्राइविंग मोड्स जो फॉर्च्यूनर में टॉप मॉडल में ही आते हैं सिर्फ, बाकी सब मॉडल्स में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे और थोड़े से मोड्स, जैसे स्टीयरिंग मोड ले सकते हो आप, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, लो 4x4, तो ये 4x4 वर्जन है इसलिए इसके अंदर दिया हुआ है, बट अगर फॉर्च्यूनर भी होगी तो भी ये मोड आएगा। यहाँ पे एसी वेंट्स, देन यहाँ पे स्क्रीन और स्टीयरिंग कुछ ऐसा दिखता है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, ये मैंने कार स्टार्ट कर दी, यहाँ पे फोर्ड लिखा हुआ आया, वॉल्यूम बंद, नहीं तो आ जाएगा कॉपीराइट। तो थोड़े से फीचर्स डेफिनेटली इसके अंदर ज्यादा है, मीटर क्लस्टर थोड़ा सा बेटर होता है इसका, प्लस स्क्रीन इसकी टच स्क्रीन है एंड इट्स मोर बिग एंड वाइडर, थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है। यार सीरियसली बोलूं तो अंदर बैठ के इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आपको चलानी हो कार मेरे ख्याल से साल की 20-30 हजार किलोमीटर, तो दिस इज अ बेटर कार, ऑल द वे बेटर कार आई बिलीव। ऐसा नहीं है कि कोई मेंटेनेंस ज्यादा है या कोई कमी है गाड़ी के अंदर, बट रीसेल वैल्यू बहुत कम है, प्लस अगर 1-1.5-2 लाख किलोमीटर पे जब आप आ जाते हो तब फॉर्च्यूनर इज रियली इजी टू मेंटेन। फोर्ड एंडेवर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है मेंटेन करने में, बट अब अगर बात करें हम कंफर्ट की, इंटीरियर की, आई से लग्जरी की, तो दिस इज अ बेटर कार। बाकी आप लोगों को कौन सी बेटर लगती है वो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। प्लस एंडेवर में एक और अच्छी चीज है कि इसके अंदर सनरूफ है, सनरूफ भी काफी वाइड है एंड वाइडली ओपन हो जाती है, पैनोरामिक सनरूफ, थोड़ा सा मतलब यू नो क्वालिटी वाली बात। फोर्ड एंडेवर एंड फॉर्च्यूनर के मैंने काफी सारे ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स के और डिफरेंट डिफरेंट किट्स के, वो देखने हो तो आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हो। कार्स के काफी सारे बॉडी किट्स अपने पास अवेलेबल है, बॉडी किट मतलब अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर में करीब करीब 8-10 तरह के बॉडी किट्स मिल जाएंगे, एंड इसी तरीके से अगर एंडेवर की बात करें तो एंडेवर के भी करीब करीब अपने पास 2-3 तरह के बॉडी किट्स होते हैं। प्लस एंडेवर की जो हेडलाइट्स है वो स्पेशल है, मस्टैंग की हेडलाइट्स, अगर वीडियो देखना हो तो ऊपर कार्ट आ चुका है वो देख लेना, जिसमें कम्प्लीटली मस्टैंग के हेडलैम्प्स एंड ग्रिल अपन ने मस्टैंग वाली लगाई है। तो ग्रिल्स में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे आप एंडेवर लें चाहे आप फॉर्च्यूनर लें। तो गाइस काफी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, टेल लैंप्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर्च्यूनर और एंडेवर दोनों में। तो अगर कोई भी कार की एक्सेसरी लेनी हो या कस्टमाइजेशन कराना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑटो मार्क पे, मतलब अपना ही जो शोरूम है ऑटो मार्क उस पे, एंड अगर कोई कार परचेज करनी हो तो उसके लिए जा सकते हैं ऑटो बेस्ट पे, जो अपना नारायणा पे जो है अदर शो। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू योर फैमिली।